आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉ मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में IMA आगरा ब्रांच के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में जीते हुए सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में IMA आगरा ब्रांच के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में जीते हुए सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। IMA का परिणाम घोषित हो चुका है। कुल 1024 वोट पड़े और उसमें डॉक्टर OP यादव को अध्यक्ष चुना गया है और डॉक्टर अनूप दीक्षित को सेक्रेटरी का पद मिला है। मुझे एडिटर IMA का पद मिला है और काफ़ी लोगों में उत्साह था और काफ़ी अच्छे माहौल में ये इलेक्शन संपन्न हुए और हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करें और IMA को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जो हमारे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रशासन और शासन के सामने रखेंगे और उसका हल निकालने की जी तोड़ कोशिश करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। बस होली के बाद इसको हम शुरू करेंगे और कोई अप्रोप्रिएट डेट देख के लोगों की उससे नेक्स्ट वीक उम्मीद है उसका हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और अपना पद सब लोग ग्रहण कर लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA आगरा इकाई के चुनाव में डॉक्टर OP यादव अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने डॉक्टर मुकेश गोयल को 29 मतों से हराया। डॉक्टर CR रावत ने गुरुवार को रात 12 बजे मतगणना संपन्न होने के बाद परिणाम घोषित किया गया। ये कहना मुश्किल है, एक तो हम लोगों ने अपनी जगह भी बदली, IMA भवन की जगह हम लोगों ने अग्रसेन भवन पसंद किया और यहाँ पे पार्किंग भी पर्याप्त थी तो लोगों को आने जाने में आसानी थी। यूथ भी काफ़ी बढ़ चढ़ के आया एवं पुराने लोग जितने थे सब लोग बढ़ चढ़ के आए। वोटिंग का समय था और होली का भी एक माहौल था तो आदमी एक दूसरे से मिल भी लेता है, तो इस कारण नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ने से सबको फ़ायदा हुआ। अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जैसे कोई डेट डिसाइड होगी तो आपको तो खैर बता ही दिया जाएगा कि एक्सपेक्टेड है, बट अभी स्टिल दैट येट डेट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड। जब हम लोग सब लोग एक बार मीटिंग करेंगे जो भी चुने गए सदस्य हैं, उसके बाद डेट डिसाइड होगी, फिर उसी हिसाब से हम लोग पद लेंगे आफ्टर टेकिंग ओथ। महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ। कुल 1504 मतदाताओं में से इस बार रिकॉर्ड 1027 ने मतदान किया। शाम 6 बजे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। शाम 7 बजे मतगणना शुरू हुई। 20 चरणों की मतगणना के बाद रात 12 बजे परिणाम घोषित किया गया। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।